जिले के पंधाना विधायक ने किया कृषि उपज मंडी का अचूक निरीक्षण, लगाई मंडी कर्मियों को फटकार। पंधाना विधायक राम दांगोड़े ने उपज मंडी पंधाना का अचूक निरीक्षण किया। मंडी व्यापारियों का माल मंडी प्रांगण में रखे होने से उन्होंने मंडी अधिकारियों को फटकार लगाई और मंडी टीनशेड में रखे अपने माल को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची अनुविभागीय अधिकारी अनुभा जैन ने मंडी अधिकारियों एवं व्यापारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए अपना माल मंडी प्रांगण से हटाने के लिए निर्देशित किया। वहीं भारतीय किसान संघ के भूपेंद्र कुशवाहा ने विधायक राम दांगोड़े को मंडी में किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया, जिसमें मंडी में व्यापारियों द्वारा अपना खरीदा अनाज मंडी में ही कई दिनों तक रखे रहना, मंडी में मॉइस्चर मशीनों का ना होना, मंडी व्यापारियों का बोली लगाने नहीं पहुंचना, जिसके चलते किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। वहीं पंधाना विधायक राम दांगोड़े ने कहा कि मंडी में समर्थन मूल्य से कम कीमत में किसानों का माल खरीदा जा रहा है। हम शासन से मांग करेंगे कि किसानों को अपने माल का उचित दाम मिले और यहां पर हो रही अव्यवस्थाओं को जल्द से दुरुस्त किया जाए। खंडवा मध्य प्रदेश से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम सावनेर उमरदा जी। तो यहां मंडी में क्या परेशानी आ रही है आपको? मंडी में ये परेशानी है साहब जी कि मैं कल लाया मक्का तो वो नीचे रख दी, वहाँ जगह नहीं थी तो नीचे रख दी। वो मक्का बोले व्यापारी लोग की ये बिकने का नहीं, कल वहाँ फड़ पे लगाओ तो बिकेगा नहीं इतना ही बिकेगा। तो साहब रात में बच्चों को बुलाया और फड़ पे लगाया, आज बिकाओ तो साहब जी सूखा मक्का मेरा 8 रोज का है वो 1385 रुपये तक भाव गया और 2-3 व्यापारी थे लेने वाले और वो 1500 से ऊपर का बिकने वाला था मक्का। अब मेरा ढेर वहीं पड़ा है साहब जी, मैं कल खंडवा ले जाऊँगा भर के। तो किराया भाड़ा जो लग रहा है वो मैं दूंगा। कितना लगा वो यहाँ तक लाने का वहन कितना लगा? यहाँ से 800 रुपये लगे मेरे को, अब यहाँ से ले जाने के लिए 1500 रुपये लगेंगे खंडवा जाने के लिए। से घर लाने 800 रुपये। यहाँ कितने व्यापारी आए थे आपके मक्का? तीन व्यापारी आए थे। तीन व्यापारी आए थे, पूरा किसान बोल रहे थे तीन व्यापारी आए थे। किसानों की शिकायतें आई थी कि व्यापारी जो है उनकी जो शेड बने हैं मंडी में किसानों का सामान रखने के लिए, उस जगह पे व्यापारी ने अपना सामान रखा है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, इस वजह से किसानों को अपना सामान रखने के लिए शेड में कोई जगह नहीं मिल रही थी, इस वजह से इन शिकायतों का निराकरण करने के लिए मैं आई हूँ। इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ के लिए आदेशित किया है? मुझे किसानों से अभी सूचना प्राप्त हुई है कि मंडी में मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए कोई मशीन नहीं है, तो मैंने मंडी सचिव को निर्देशित किया है कि वो कल के कल ही जितनी फसलों की यहाँ खरीदी होती है उन फसलों के हिसाब से निर्धारित संख्या में मॉइस्चर जो मीटर आता है वो तुरंत ही खरीदें। यदि व्यापारी मतलब कि मंडी के अलावा यदि अपने गोडाउनों से माल खरीदता है तो आपके द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जाए? पिछले महीने मैंने व्यापारियों की बैठक ली थी, उसमें व्यापारियों को सख्त हिदायतें दी गई थी और यहाँ से मंडी इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई थी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कि यदि बाहर कोई व्यापारी पाया जाता है खरीदी करते हुए तो उस व्यापारी पर कार्रवाई करनी है। मैंने अभी इस रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया है कि इस दौरान जब वो बाहर ड्यूटी कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ऐसा कोई व्यापारी पाया है जिसने बाहर खरीदी करी हो नीलामी में ना आकर, पर अभी मुझे किसानों से ये पता चला है कि व्यापारी अभी भी बाहर खरीदी कर रहे हैं, तो इस पर मैं पुनः कल से उन लोगों की ड्यूटी पाबंद करूंगी और यदि फिर से कोई शिकायत पाई जाती है, यदि कोई किसान व्यापारी पकड़ा जाता है बाहर खरीदी करते हुए तो उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगी। यहाँ पे लाइसेंसधारी व्यापारी कितने हैं? यहाँ पे लाइसेंसधारी 53 व्यापारी हैं। और यहाँ पे आए कितने हैं अभी खरीदारी? 3 जन। यहाँ पर करीबन 13 से 16 जब तक मैंने अवलोकन किया था उस टाइम तक मैंने देखा था 16 से 23 व्यापारी यहाँ पर आके नीलामी करते थे। आज मुझे किसानों से पता चल रहा है कि केवल 3 व्यापारी आज आए हैं, तो मैं इसकी भी जांच कर लूँगी कि क्या केवल 3 व्यापारी और कहीं कहीं पर सुनने में आया कि 2 व्यापारियों ने नीलामी करी है, तो यदि ऐसा पाया जाता है तो उस नीलामी के दौरान जो मंडी का कर्मचारी यहाँ उपस्थित था उस पर भी कार्रवाई की जाएगी कि उसने 2 लोगों की उपस्थिति में नीलामी कैसे कर दी। आज पंधाना मंडी के किसान भाइयों से मिलने के लिए आना हुआ तो देखने में यह आया कि जितने भी तमाम यहाँ पर टीन शेड बने हुए ये जो प्रांगण है ये किसानों के लिए है, यहाँ पे फसल किसान रख सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जितने भी शेड बने हुए और प्रांगण है इसमें व्यापारियों ने कब्जा करके रखा है, अपना पूरा माल पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर स्टोरेज करके रखा है, जिस पर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई। अब किसान अपनी फसल लाएगा तो उसको कहाँ पर रखें? सबसे बड़ी समस्या ये है, जब यहाँ पर उसको फसल रखने के लिए स्थान नहीं मिलेगा
तो उसको मजबूरन कम कीमत में वो फसल बाहर के बाहर बेचना पड़ेगा। सबसे पहली समस्या। दूसरा, यहाँ पर शासन ने मॉइस्चर मीटर की कोई व्यवस्था नहीं करके रखी है, मतलब फसल में कितनी नमी है, फसल कितनी सूखी है, इसको जांचने के लिए यहाँ पर मशीन की व्यवस्था नहीं है। व्यापारी कुछ तो भी भाव लगा करके उस नमी को मुद्दा बना करके कम कीमत में किसानों से फसलें खरीद रहे हैं। तीसरा, शासन हमेशा फसल के रेट तय करता है, आज भी लगभग 1600 के ऊपर का भाव है, लेकिन जो रसीदें मेरे पास में आई हैं ये 1100 रुपये, 1370 रुपये, 1161 रुपये, इस प्रकार की ये और है 1340 और ये 1361, ये रसीदें हैं 1150 किसानों की, कि उनसे कम कीमतों में दबाव बना करके फसलों को खरीदा जा रहा है। इसके ऊपर शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रोंग रही है। किसान दिन रात खेत में मेहनत करके आधी रोटी खा करके फसल पैदा करता है, शहर के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए अनाज उत्पन्न करता है, और उसके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, उसके साथ में इस प्रकार का छलावा होगा, तो ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने शासन को आज ये पूरा अतिक्रमण हटाने के लिए, मॉइस्चर मशीन की व्यवस्था के लिए, और जो रेट शासन तय करता है उसी रेट पे फसलें खरीदने के लिए कहा है। अगर शासन इसमें लापरवाही बरतेगा तो हम संबंधित कर्मचारियों पर और उनके ऊपर के अधिकारियों पर और उनके ऊपर के अधिकारी जो कमीशन लेते हैं या थोड़े से पैसे की लालच में किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई हो हम वो करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, किसान भाइयों को उनका फायदा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर फसल नहीं बिकने देंगे और यहीं पर बैठ करके किसान भाइयों के साथ में चरणबद्ध आंदोलन खरीदा जा रहा है। इसके ऊपर शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रोंग रही है। किसान दिन रात खेत में मेहनत करके आधी रोटी खा करके फसल पैदा करता है, शहर के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए अनाज उत्पन्न करता है, और उसके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, उसके साथ में इस प्रकार का छलावा होगा, तो ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं करें। मेरे शासन को आज ये पूरा अतिक्रमण हटाने के लिए, मशीन की व्यवस्था के लिए, और जो रेट शासन तय करता है उसी रेट पे फसलें खरीदने के लिए कहा है। अगर शासन इसमें लापरवाही बरतेगा तो हम संबंधित कर्मचारियों पर और उनके ऊपर के अधिकारियों पर और उनके ऊपर के अधिकारी जो कमीशन लेते हैं या थोड़े से पैसे की लालच में किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई हो हम वो करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, किसान भाइयों को उनका फायदा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर फसल नहीं बिकने देंगे और यहीं पर बैठ करके किसान भाइयों के साथ में चरणबद्ध आंदोलन। जो व्यापारी मंडी में माल लाने तो अपने गोदामों में ले रहे हैं, और जबकि उनको आदेश अनुसार उन्हें मंडी में, ये अभी SDM मैडम को बोल दिया है, देखते हैं SDM मैडम किस स्तर तक उन पर कार्रवाई करती है। अगर SDM मैडम कार्रवाई नहीं करती तो फिर SDM मैडम से बात करेंगे इस विषय पर, आखिर क्या कारण है कि उनके पर्सनल गोडाउन पे से, कोठों पे से और उनके घरों से मंडी चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे व्यापारियों की कमी है। व्यापारी लगभग 54 रजिस्टर्ड है, अगर नहीं आते हैं तो उसका जवाब आपको SDM मैडम देंगी। सिर्फ दो तीन व्यापारी SDM मैडम देंगी।